हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का मोबाइल में प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है, फिर कोई अन्य एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, फिर पेंडिंग बता रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आखिर हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दो बताने वाला हूँ जो कि दोनों ही ट्रिक से आप अपने प्ले स्टोर को या फिर कोई अन्य एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रहा है तब भी आपका जो फ़ोन में वो एप्लीकेशन काम करने लगेगा, वो किस तरीके से करने लगेगा चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जो कि सभी बताते हैं ठीक है कि इस तरीके से आपको करना है और आपका प्ले स्टोर ठीक हो जाएगा ठीक है। जैसे कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश कर लेता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ ऐप मैनेजमेंट या फिर मैनेजर ठीक है। मैंने यहाँ पर मैनेजर लिख दिया, इस पर मैं चलिए सिंपली क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्टोरेज ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद में ये डाटा को हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे ठीक है, यानी कि ऐप डाटा के लिए स्टोरेज वाले के ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप मैनेजमेंट, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में काम नहीं कर रहा है उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर को यहाँ पर क्लियर कर देंगे इसका डाटा ठीक है। जैसे कि हमने ये क्लियर कर दिया ठीक है। अब ऐसे में यह है कि आखिर हम प्ले स्टोर को यहाँ पर ओपन करते हैं। अब ये बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर ये ओपन होगा ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ व्हाट्सअप ठीक है। तो देख सकते हैं व्हाट्सअप यहाँ पर पहले ही है ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कोई दूसरा एप्लीकेशन देख लेता हूँ, भाई कौन सा मैं एप्लीकेशन करूँ। चलिए ये QR कोड वाला कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ठीक है। थोड़ी ये छोटी भी होती है और ये आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से डाउनलोड होगा। यहाँ पर बताया है डबल ऐप्स ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग और ये देखते ही देखते यहाँ पर डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल हो रहा है ये अब हमारे फ़ोन में ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नंबर दो पर आ जाती है, जैसे कि हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर काम ही नहीं कर रहा है तब हम क्या करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्ले स्टोर को इस तरीके से प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पर जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर स्टोरेज पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे क्लियर डाटा ठीक है। अब ये प्ले स्टोर है हमारे फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है ठीक है। अब ये बिल्कुल जैसे हो गया जैसे कि इसे कोई जानता ही नहीं है ठीक है, और हमारे फ़ोन में है क्योंकि ये फ़ोन में आपको पहले से ही दिया जा रहा है तो आप इसे फ़ोन से डिलीट नहीं कर सकते हैं ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। क्रोम में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, क्रोम में यहाँ पर लिखूँगा मैं सर्च बार में SHANKAR उसके बाद में BLOGblog.com ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर सर्च कर दूँगा। सर्च करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तो यहाँ पर मिलेगा ये वाला भारत ने किया खुद का प्ले स्टोर लॉन्च ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है और एक्चुअली में ये कहाँ का एप्लीकेशन है और ये कब बना था ठीक है। मिल जाएगी इस पर, आप जैसे ही सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड इंदू ऐप स्टोर ठीक है। अब ये एक्चुअली में ऐप स्टोर है क्या, जैसे कि ये आप जानते हैं फ़ोनपे की तरफ से ये लॉन्च किया गया हुआ है, भारत में पूरी तरीके से अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से ठीक है। आप इसे यहाँ पर डाउनलोडिंग पे सिंपली क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग अगेन ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे ओपन पर ठीक है। उसके बाद में अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं इसे। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहां से इसे डन कर देंगे। अगर आप एक भारतीय हैं तब आपको इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज करना चाहिए ठीक है। उसके बाद में आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अब यहां पर
आपको 12 लैंग्वेज मिल जाएंगी। अब जो भी लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे अच्छा यह है कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करने को मिल गया है। कहने का मतलब है कोई थर्ड पार्टी आपके फ़ोन के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको लॉगिन करने का जो ऑप्शन मिल गया है आपको अपने ही मोबाइल नंबर से मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालकर और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, मेरे मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर वेरीफाई होगा, उसके बाद में ही यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे, बस अपने मोबाइल को यहाँ पर एक परमिशन दे देंगे। परमिशन देने के बाद आप प्ले स्टोर की ही तरह इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल एक इंडियन एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि नीचे में, जैसे कि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेम आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं, क्रिकेट और मैनेज पर, ठीक है। मैनेज पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये दिया गया है, जैसे कि जो भी अपडेट आपके फ़ोन में एप्लीकेशन मांगता होगा उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अपडेट नाउ, ठीक है, आपसे परमिशंस मांगेगा तभी ये अपडेट होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में इंटरनेट कम होता है और प्ले स्टोर वो उन फोन यानी कि उन एप्लीकेशन को अपडेट करता रहता है, ऐसे में जो हमारा इंटरनेट है वो ज़्यादा ख़त्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं और हमारा इंटरनेट समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप अपने ही हिसाब से यहाँ पर परमिशंस देंगे तभी वो अपडेट होगा, ठीक है। ये इसके अंदर मुझे बहुत ही अच्छा फीचर्स मिला है, तो आप भी अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।